हेलो दोस्तों, वाइल्ड राइड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जियो फोन के कीपैड प्रॉब्लम के बारे में। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कीपैड चल रहे हैं और कौन कौन से नंबर नहीं चल रहे हैं। देखिए, 5 नहीं काम कर रहा है, थोड़ा ज़ोर से दबाना पड़ रहा है इसे। कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है। एट भी नहीं चल रहा है, 9 भी जोर से दबाने से चल रहा है। कैंसिल तो परफेक्ट वर्क कर रहा है। कॉलिंग भी ठीक काम कर रहा है, कॉलिंग बटन, अलर्ट्स ठीक है। ये भी टाइट दबाना पड़ रहा है एक्चुअली, और टैक्स भी टाइट दबाने पड़ रहे हैं। मेन्यू काम नहीं कर रहा, नेविगेशन बटन्स भी काम नहीं कर रहे। देखिए, जोर से दबाने से मैंने ओपन हुआ, लेकिन नेविगेट तो उसमें कीपैड की प्रॉब्लम तो आपने देख ही लिया है। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कीजिए और हमें और वाइल्ड राइड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन को अपने फोन पर सबसे पहले पा सकें। इसके लिए हम इसे ऑफ कर लेंगे पहले। तो देख सकते हैं जिसमें भी कंपनी का सील लगा हुआ है, तो यहाँ से पहले कभी ओपन नहीं हुआ, तो हम इसे आज ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। इसके सारे स्क्रूज हमने ओपन कर दिए, हम इसे ओपन कर लेंगे फोन को। तो हम इसकी बॉडी को अलग कर लेंगे। ये नखून की सहायता से खुल जाएगा। हमें इस पोर्शन को भी हटाना होगा, क्योंकि ये दोनों एक पीसीबी, एक साइड पीसीबी पे चिपका हुआ है, एक साइड बॉडी पे चिपका हुआ है। तो देखिए, हमने इसको अलग कर लिया, अब हम इसे कीपैड की तरफ से ओपन कर लेंगे। हमें पीसीबी को अनलॉक करना है बॉडी से। ध्यान से देखिए, ये कुछ लॉक्स हैं जो कि पीसीबी को पकड़े हुए हैं। देखिए देखिए, इस साइड पे एक ये है और एक ये है। अभी कुछ रहता है शायद, ओपन तो हो गया, लेकिन इसकी डिस्प्ले, हमें डिस्प्ले भी अलग करनी होगी इसकी।
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्प्ले की इधर से लग की हमने, ध्यान से अलग कर लिया बिल्कुल, क्योंकि इसका डिस्प्ले यहाँ से चिपका होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल सही के सही डिस्प्ले आपके हाथ में आ जाएगी। अब ये रहा कीपैड का, कीपैड का पत्ता है ये इसका पूरा, तो हमें इसे ही चेक करना है, इसे क्लीन करना है जिससे कि ये पूरा वर्किंग हो जाए दोबारा पहले जैसा ही ब्रांड न्यू। इसका ध्यान रखेंगे डिस्प्ले का कि ये यहाँ से ख़राब ना हो जाए, और हम इसका यहाँ से पील ऑफ कर लेंगे। तो हमने इसका कीपैड का पत्ता इसका हटा लिया है, अब हम इसे क्लीन करेंगे। एसीटोन या कैरोसिन ले सकते हो, पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, एसीटोन सही रहता है, तो हम एसीटोन से इसे क्लीन कर लेंगे। और मैं इसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर रहा हूँ क्लीन करने के लिए। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर कुछ LEDs हैं यहाँ पर कीपैड की, तो उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। इसे साफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर कार्बन जम जाता है यूज़ करने से, तो इसलिए कीपैड कभी कभी काम नहीं करते हैं, तो सबसे इजी तरीका है कि इसको क्लीन कर लीजिए, कीपैड वर्क करने लग जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सो अब हम इस स्टिकर को इस PCB पर लगाएंगे। पहले आप इसको अलाइन कर लीजिए, ये वाला पार्ट नीचे आएगा, माइक के लिए यहाँ पे कट दिया गया है, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे किस साइड से पेस्ट करना है। और इसके अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे होल दिए गए हैं, इधर और इधर, इधर भी है और इधर भी, और यही सेम PCB पर भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ से इसको होल से होल मिलाना है, अलाइनमेंट खुद ही आ जाएगी इसकी अच्छे से, तो इसकी अलाइनमेंट खुद ही हो जाएगी। सो हमने इसका स्टिकर लगा दिया, तो हम चेक करते हैं कि बटन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बूट होने में काफी टाइम लगता है, तो चलिए ये बूट हो चुका है सक्सेसफुली। हम चेक करते हैं कि सारे बटन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल कीबोर्ड चेक कर लेते हैं, 1 2 3। न्यूमेरिकल कीबोर्ड तो परफेक्टली काम कर रहा है। हम चेक करते हैं बाकी के बटन, कैंसिल बटन बिल्कुल ओके काम कर रहा है, अलर्ट्स स्मूथ, कॉन्टैक्ट्स बेहद स्मूथ, कॉलिंग मेन्यू सारे बटन सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। तो हम इसे बॉडी में फिट करेंगे और स्क्रू कर देंगे और ऑल डन। तो चलिए दोस्तों इसको पैक करते हैं दोबारा से। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले और इसको साथ में से फिट करना है, और इसको और इस PCB को आपको लॉक्स में अटैच करना है। तो ये लॉक हो गई है, फिट हो गया एक्चुअली, ठीक है। और हम इसका बैक पैनल लगा लेंगे,
स्टिकर को भी ध्यान रखिएगा। ये स्टिकर भी पहले ऐसा हो गया, तब हम इसे स्क्रू कर लेते हैं। तो हमने इसके छः के छः स्क्रूज लगा दिए। अब बारी है इसे ऑन करने की और चेक करने की क्या बात। हम इसे स्विच ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि सारे कीज वर्क कर रही है नहीं कर रही है। हाँ तो अभी फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि सारी की बाकी में चल रही है नहीं चल रही है। पहले हम न्यूमेरिक कीपैड चेक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कीपैड सारे वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल की प्रेस पे सारे वर्क कर रहे हैं। तो हम इन्हें कैंसिल करते हैं, हम कॉलिंग चेक करते हैं। कॉलिंग तो वैसे ही पहले से ही ठीक थी, बस चल वर्क फाइन। कॉन्टैक्ट्स ये भी ठीक काम कर रहा था पहले ही। मेन दिक्कत था इसका मेन्यू की, क्योंकि मेन्यू ना खुल रहा था और नेविगेशन बटन काम कर रहे थे। तो अब चेक करते हैं कि मेन्यू काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मेन्यू भी काम कर रहा है, इसका नेविगेशन चेक कर रहे थे, उसके सारे बटन काम कर रहे हैं। गैलरी ओपन करके देखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है कि कीपैड स्टिकर को साफ करने से काफी हद तक आपकी कीपैड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।